खबर रुद्रपुर से है, जहां साइबर क्राइम थाना पुलिस की सेल ने अल्मोड़ा के शिक्षा विभाग के तैनात कर्मचारी को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले एक शातिर साइबर ठग को जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से सिम कार्ड व कई फर्जी मोहर भी बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। साइबर क्राइम थाना प्रभारी ललित मोहन जोशी ने बताया कि एसएसपी एसटीएफ के आदेश पर मिले इनपुट के बाद साइबर सेल की टीम पिछले कई दिनों से 30 लाख की ठगी प्रकरण की तफ्तीश कर रही थी। जांच के बाद टीम ने आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए लाखों की ठगी के आरोपी चंदन कुमार यादव को जयपुर राजस्थान स्थित एक मकान से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में साइबर ठग ने बताया कि उसने फेसबुक आईडी पर ट्रेडिंग कारोबार करने और 3 गुना मुनाफा देने का लालच दिया था। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। एक साइबर स्कैम का मुकदमा हमारे यहाँ दर्ज कराया गया था, जिसमें उनके सामने 29 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिसमें उनको फेसबुक के माध्यम से एक लिंक मिला था और उसको उन्होंने क्लिक किया तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हुए और उनको शेयर ट्रेडिंग के नाम पे एक डीटीका मैक्स करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराया गया और उस एप्लीकेशन में उनके द्वारा निवेश किया जा रहा है, ऐसा दर्शाते हुए उनके साथ में ये 29 लाख रुपये की ठगी का ये क्राइम किया गया था। इसमें हमारी टेक्निकल टीम द्वारा काफ़ी एनालिसिस किया गया, बैंक खातों का एनालिसिस किया गया और एक आदमी को हमारे द्वारा चिन्हित किया गया, जिसकी गिरफ्तारी कल जयपुर से हमारी टीम द्वारा की गई है। इसका नाम चंदन यादव है। ये आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और जयपुर में रह रहा था। पूछताछ से ये बात निकल के आई है कि ये अलग अलग नामों से फर्जी फर्म्स की रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनके बैंक खाते खुलवा करके उन बैंक खातों को साइबर स्कैम के लिए प्रोवाइड कराता था और इस पूरे स्कैम में खुद भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहता था।